ईशान टाइम्स टीवी और ईशान टाइम्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ प्रखर प्रभा फाउंडेशंस के अवार्डी और प्रसिद्ध ज्योतिषी आर के वर्मा जी, जो कि ट्राई सिटी से लेकर के पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हैं, हमारे साथ बैठे हैं और आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे इस महामारी को लेकर के, इस क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। और एक चीज़ और बता दें हम आपको कि आपकी जो प्रेडिक्शंस, आपकी जो भविष्यवाणियां हैं वो सटीक होती हैं और वो बिल्कुल सही होती हैं और सही वक्त से पहले, बहुत पहले दे देते हैं। इस महामारी के लिए भी इन्होंने पिछले साल अक्टूबर में ही बोल दिया था कि इस तरह की महामारियाँ आने वाली हैं और इस चीज़ को होने वाली है। आज मैं इनका प्रचार का नहीं, एक हमें संदेश से ये देना चाह रहे हैं हम कि हाँ, ज्योतिष में भी गणनाएं हैं जिसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि कहाँ क्या होता है, उससे हम बचाव के लिए तैयार हो सकते हैं। लोगों ने माना होगा। मैं बात करता हूँ, पहले तो आपका स्वागत ईशान टाइम्स यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ आज बहुत सौभाग्य है कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। और वर्मा जी, ये बताइए कि किस तरीके से क्या ज्योतिष को लोग लेकर के आज समझ के चल रहे हैं और किस तरीके से इसको समझा जाए और लोगों को इसको दूर करने के लिए, यानी कि जो महामारी चल रही है या जो चीज़ आपदाएँ आती हैं जिसके बारे में आप बराबर बताते रहते हैं, लोगों को आगाह करते रहते हैं और वो भी मुफ्त, ये भी नहीं कि कोई किसी से कोई फीस लेते हैं, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए राय साहब, संजय राय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे शोरूम पर बना रहे हैं और आज मुझे मान सम्मान दिया। तो आप जो मेरी भविष्यवाणियों के बारे में पूछ बोला आपने, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए उसका जो अवार्ड बेसिकली होता है, जो मैं समझता हूँ एक स्टीक भविष्यवाणी। बहुत सारे लोग अवार्ड लेते हैं, कहते हैं जी हमने गोल्ड मेडल ले लिया या सिल्वर मेडल ले लिया, मेरा उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। मेरी अगर एक भविष्यवाणी स्टीक हो जाती है, वो गोल्ड मेडल नहीं, मेरा वो साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूँ। और जो भविष्यवाणी की जाती है उसको बड़ा ही सोच समझकर कैलकुलेशन करके प्लैनेट्स की वो की जाती है। जैसा कि आपने कहा, मेरी पंजाब केसरी ने भी छापी थी, उसमें मैंने पहले ही अदा किया था कि सरकार सचेत रहे, हिंदुस्तान के साथ साथ कई देशों का, मैंने बोला कई देशों में तो विपदा आने वाली है, तो वो आपके समक्ष ही है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें हमें एक बीमारी तो आ चुकी है, हमें एस्ट्रोलॉजिकली हम ये वर्ड कोरोना वर्ड नहीं बोल सकते, उसमें बोला भी नहीं है, हम आपदा या विपदा बता सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के तहत है। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है ये आदि काल से इसका प्रचलन है और हिंदुस्तान की ये धरोहर है। आपको एक और चीज़ बता दूं, जितने भी विदेशी मूल के लोग हैं उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी सीखी है, वो कहाँ आकर हिंदुस्तान के अंदर आकर। सबसे प्रथम मैं बता दूं, क्यूरो जो पामिस्ट हुए हैं वो हिंदुस्तान में आकर ही उन्होंने सीखा और बुक्स लिखी। और अगर ये एस्ट्रोलॉजी ना होती तो वो कहाँ से सीखते? अगर आज मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, हमने सीखी है, पढ़ाई की है, तो ये बड़ी एक अहम ये ज्ञान है और विज्ञान भी मानते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो 9 प्लैनेट्स है, 12 राशियां हैं, 12 भाव होते हैं, उसी की कैलकुलेशन करके ये भविष्यवाणियां की जाती हैं। देखिए, बाकी ये है कि हर एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी अपनी पकड़ है, हर एक का अपना सिस्टम है, हर एक की अपनी अपनी वो आइकॉन होता है कि किस तरह से कुंडली को देखना है, ये चीज़। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी हम लोग जो इस समय आपदाएं और तमाम, देखिए भूकंप आ रहा है, वृष्टियाँ हो रही हैं और सब चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बराबर आगाह करते रहते हैं समय से पहले, भूकंप के बारे में जनगणना हो रही है, उसकी कहाँ आ सकता है, कहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन आपके जब हम लोग पढ़ते हैं, आपको देखते हैं, बहुत से लोगों के नीचे कमेंट्स भी आते हैं और आपके ऊपर कटाक्ष भी करते हैं, तो इन सब चीज़ों से ले करके, लेकिन आप क्या मानते हैं कि ये कब तक हम लोगों को अभी जाने वाला है, ये इस तरीके का हम लोगों का काल जो है, ये जो विपदाएं चल रही हैं देश के ऊपर, आर्थिक भी है और मानसिक भी है, हर तरह से लोग त्रस्त हैं। देखिए, अगर प्लानिटरी तौर पे बोलूँ एक चीज़ मैं, और आपको बहुत बड़ी एक बात बता दूँ कि मैंने पीछे एक भविष्यवाणी की थी माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के ऊपर, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो मैं अगर उनकी कुंडली को लेकर चलता हूँ, जैसा कि मैंने लिखा था कि वो उनका नाम ऊंचा, कद ऊंचा होने वाला है, तो वो हुए, उनका WHO के वो चेयरमैन बने, तो मैं अगर उनके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग चलूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अक्टूबर से उनके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग उनका प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, उनकी विदेश यात्राएं आ रही हैं। मैं एक ये अंदाज लगा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, कोई मेरी ये वो नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, कोई दावा नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में, एक अंदेशा लगाया जाता है, एक अंदाज लगाया जाता है कि संभावनाएं होती है।
तो अगर मुझे उनकी कुंडली में ऐसा नजर आ रहा कि उनकी विदेश यात्राएं आएंगी, विदेश यात्राएं तभी कर पाएंगे अगर हमारे हिंदुस्तान में कोरोना का प्रकोप कम होगा। और मेरी एक ये भी भविष्यवाणी थी उनकी कुंडली को देखकर ही, मैं देखिए वो हेल्थ मिनिस्टर है तो मैं हेल्थ मिनिस्टर की ही कुंडली देखकर ही आगे भविष्यवाणी की। मेरा अंदाज आप पीछे मैंने पंजाब केसरी में छपी थी कि 14-15 अगस्त के आसपास ऐसा कुछ प्रभाव आने वाला है, कोई मेडिसिन नहीं कर सकती है, जैसा कि अभी न्यूज चैनल ने दिखाया कि 15 अगस्त को शायद कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। अच्छा, ये तो ये रही हम लोगों की बातें कि आज कोरोना की और महामारी के ऊपर देखिए कितनी अच्छी बातें, उन्होंने कहा कि सब लोगों की एक अपेक्षा हो जाती है कि हम कब तक इससे ग्रसित से होकर के और ठीक हो सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अभिनेता भी रहे, आप एस्ट्रोलॉजी में भी हैं, कितनी विधाओं को हमने आपका देखा है, कृपया उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए क्या क्या हुआ अपने बारे में। जी, मेरी कुंडली में ऐसा प्रभाव था तो मैं बचपन से ही बहुत उतावला था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं। तो मैं जलंधर बॉर्न हूं, तो जलंधर में 1978 में जो मुझे याद आ रहा है हमारा दूरदर्शन शुरू हुआ था, तो बड़ा उतावला बड़ा हो गया जी भाई, हमने दूरदर्शन में पहला एक कदम तो बढ़ाया ही अपना। फिल्म इंडस्ट्री तो बॉम्बे में थी, बहुत दूर थी, मैं छोटा था, बालक था उस समय, तो पेरेंट्स की ओर से भी आज्ञा नहीं मिलती थी। चलो हमने दूरदर्शन जाना शुरू कर दिया, पहले तो वहाँ एंट्री नहीं होती थी, कौन हो, क्यों आए हो, कहाँ तुम्हारा क्या एक्टिंग की है। तो चलो हमने एंट्री हो गई हमारी किसी तरीके से, तो मैं वहाँ का अप्रूव्ड आर्टिस्ट भी रहा, तो बहुत सारे सीरियल्स भी किए, सीरियल जो आज देख रहे हैं, पहले सबसे प्रथम सीरियल था जो दूरदर्शन का सांभली, तो उसमें मैंने काम किया। तो और भी रैन बसेरा था, सुरेंद्र सानी साहब अब तो एक्सपायर हो चुके हैं, बहुत ही महान वो व्यक्तिगत के आदमी थे, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो उसके बाद मैं बॉम्बे भी गया, बॉम्बे में मैंने बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया, ट्रैक्शन में किया, एक्टिंग तो मैं भूल गया वहाँ जाकर, एक्टिंग मेरा आसान नहीं था, तो मैंने कहा चलो ट्रैक्शन सीखते हैं तो आगे ताल्लुकात बढ़ते चले जाएंगे। तो उसमें मैंने बीएस थापा साहब के साथ मैंने फिल्म की लक्ष्मी की असिस्ट की, उनके साथ गीत गंगा की, फिर मैंने बासु दा के साथ यानी बासु चटर्जी साहब के साथ रजनी सीरियल असिस्ट किया, उनके साथ लगा रहा, फिर उनकी फिल्म ये शॉकिंग फिल्म थी, बड़ी सुपर डुपर हिट हुई थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और फिल्म स्टार थे, तो किया, तो लगा रहा उसमें मैं। लेकिन मेरे घर में एक घटना घट गई, मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए, मदर के लिए थे, मेरी सिस्टर के लिए थे, मुझे फिर वापस आना। तो देखिए जो मैं इस समय एस्ट्रोलॉजर हूँ तो इसमें कैसे आए, उसी पे आ रहा हूँ। जब हम यहाँ जलंधर से ट्रेन पकड़ते थे बॉम्बे की, तो उतना रास्ता बोरिंग होता था, फिर ये उत्सुकता होती थी कि भाई हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा। तो मैंने कीरो की ले ली, बुक ले ली, उस पढ़ते रहे, उस पर मैंने हाथ देख कर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी, तो ये चलता रहा सिलसिला। फिर मेरे एक मित्र थे जलंधर में, अब वो एक्सपायर है, लाल किताब से उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता, जो मेरा मानना है अपना, तो उनके पास शाम को वहाँ हमारी मजलिस जमती थी सारे आर्टिस्टों की, वो भी आर्टिस्ट थे, तो मैं उनको देख देख के ही सीख गया। तो बीच में क्या ऐसा, मैं फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया, मेरे मदर बहुत सीरियस हो गए, तो एक ऐसा दौर आया कि मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं थे। हाँ, जो मेन प्रॉब्लम आ गई दिल्ली के अंदर, इतना मैं डाउन आ गया, जीरो हो गया। तो मेरे कोई जान पहचान वाले थे, वो कहते भी तू अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, तेरी भविष्यवाणी ठीक होती है, तो पैसे लेने शुरू कर, कुछ फीस लेनी शुरू कर। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेनी, लेकिन पेट पापी पेट का सवाल, तो फिर कम फीस पे मैंने 50 रुपये फीस से शुरुआत की, उन्होंने करवाई, जबरदस्ती करवाई। तो फिर धीरे धीरे, अब ऐसा है ना, शुक्र का काम वो भी है आर्टिस्ट का, शुक्र का काम ये है, शुक्र की रोटी खा रहा हूँ, चलो ये तो ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं, तो ये भी संदौरे का काम है, शुक्र से ही लगा लीजिए। तो इस तरह से मेरा ये सिलसिला बढ़ता चला गया। तो जो भी मैं भविष्यवाणी अगर मैं करता हूँ सच्चाई के साथ करता हूँ, वो मुझे ड्रामा नहीं आता, ना मैं ऐड करता हूँ ज्यादा, कहीं भी ऐड मेरे अखबारों में भी नहीं आती, मैं नहीं देता, जिसने आना ढूंढ के मेरे पास आ जाते, क्योंकि आपकी अगर भविष्यवाणी स्ट्रीक है तो लोग अपने आप आपके पास ढूंढते हैं। आज देखा आपने जिस तरीके से प्रसिद्ध ज्योतिषी किस किस तरीके से कहां से कैसे कैसे, ये लोग कहते हैं कि जाति से पंडित होगा, नहीं, ज्ञान से पंडित होता है, और जो ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ जाएगा उसी को पंडित कहा जाता है। ब्राह्मण एक जाति होती है, लेकिन पंडिताई केवल ज्ञान से आती है। देखिए आपके सामने साक्षात हमारे सामने आर के वर्मा जी खड़े हैं, कोई कहे कि ये है जाति से इससे उससे लेके जुड़ते हैं, लेकिन नहीं, ज्ञान की वजह से पंडिताई आती है, और उसको लेकर के आज हमारे बीच में है। और सटीक वाणियों के लिए और सटीक बातों के लिए आपको
पूरे के पूरे आप सोशल मीडिया के अंदर आप छाए हुए होते हैं, आपके यूट्यूब्स पे, आपके टीवी चैनल्स पे तमाम डिबेट्स होती हैं, उसमें भी हम लोग देखते रहते हैं। आप हमारे साथ बातचीत किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे। आपका बहुत आप पर आपके चैनल पर असीम कृपा।